वाहियात कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी चीज की भी। लड़का अच्छा है? लड़का अच्छा है। एक हमने देखा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस को लेके गांव में मतलब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, सुख शांति का माहौल तो नहीं है कि हमारा बच्चा के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये एक जांच का विषय है, वो पूरा सहयोग कर रहा है उसके अंदर, और साफ होगा तो अपने घर आ जाएगा। अगर इस तरीके के कोर्स में वो मिलता है तो देखो कानूनी कार्रवाई जो है वो अपनी करेंगे सरकार। छोटे से बड़ा हो गया, खूब रहते देखा भी है कि भाई इन्होंने भाई कुछ वैसे नशे पत्ते करता हो, ये करता हो, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब मतलब फैलाने वाली बात है। और रही बात वो तो भाई इन्वेस्टिगेशन चली है, उस हिसाब से आगे पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। परविंदर, कैसे देखते हो कि आपके गांव का ही एक लड़का जो कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, ठीक है, बिग बॉस जीत के आ गया, उसके बाद इस तरह से पार्टी में उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि उसने एक्सेप्ट भी किया कहीं ना कहीं कि हाँ वो पार्टीज में जाता था और इस तरह से साफ के, क्योंकि गानों को लेकर के वीडियो वायरल हुई जिसके बाद वो इस मामले में अलस्ता चला गया, कैसे देखते हैं इसको? भाई देखो, पहले बात तो ये है कि ये सब फैलाई ओढ़ बात है, क्योंकि हम भी भाई देखते आ रहे हैं सारी चीज़ें कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। हमने तो आज तक ये भी नहीं सुना कि भाई वो कुछ करता है नहीं है। छोटे से बड़ा हो गया, खूब रहते देखा भी है कि भाई इन्होंने भाई कुछ वैसे नशे पत्ते करता हो, ये करता हो, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब मतलब फैलाने वाली बात है। और रही बात वो तो भाई इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उस हिसाब से आगे पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। अभी बीच में हमेशा अलवेश यादव कभी ना कभी विवादों में भी रहते हैं भाई, वो वाली बात है। देखो नाम है आज एक तरीके से नाम बहुत ऊँचा जा चुका है उसका, भाई उसने मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ करी, अब ये लगा लो अब एक उसको देख के आदमी जलते तो है ही। देखो कोई किसी को देख के आज के टाइम में राजी नहीं, भाई ये सोचते हैं कि भाई इसका इतना नाम आ रहा है, भाई कैसे आ रहा है भाई, कोई तो वो वाली बात है, कहीं ना कहीं किसी ने भाई झूठे इंजाम लगाए, इसी चक्कर में ये हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में पता चल जाए जो भी होगा। नहीं जी ऐसा तो पॉलिटिकल प्रेशर देखो था उसको तो पहली बात तो कोई मतलब ही राजनीति से, वो अपना बढ़िया मस्त आदमी है, उसको इस चीज़ से कोई चक्कर नहीं है कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो अपना बढ़िया अपना भाई वीडियो हंसी के तौर पे बनाता है वीडियो कि भाई अपने बढ़िया काम है जो हंसी मजाक का ये चीज़ है, उसका तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ तो भाई ये कह देते हैं कि भाई हाँ भाई जो सीएम साहब ने वो अपना उसका स्वागत किया था बिग बॉस से जीत के आया, तो वो तो एक बस जोड़ने वाली बात है कि हाँ भाई वो हट गए इसलिए इसका ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। पूरे मामले में कैसे भाई हमें तो ऐसा लगता है कि भाई ये सब झूठ है, ऐसा तो वो नहीं कर सकता, और भाई वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से फिर भाई देखते हैं। अरे ऐसी बात नहीं, सारा कोऑपरेट, जो आदमी गलत होगा वो कभी कोऑपरेट नहीं करेगा, ये चीज़ भी है। भाई कैसे देखते हैं एलविश की गिरफ्तारी के पीछे, क्योंकि आप लोग एलविश यादव के गांव के हैं, तो कितना सही है ये कि एलविश यादव गलत था इतना, कैसे देखते हैं आप? देखो भाई साहब, हमने तो आज तक सुना नहीं था इस तरीके का काम उसके बारे में, और ये भी मीडिया के माध्यम से ही इस तरीके की खबरें आई थी, और कल एक हमने देखा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस को लेके गांव में मतलब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, सुख शांति का माहौल तो नहीं है कि हमारा बच्चा के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये एक जांच का विषय है, वो पूरा सहयोग कर रहा है उसके अंदर, और साफ होगा तो वो अपने घर आ जाएगा। अगर इस तरीके के कोर्स में वो मिलता है तो देखो कानूनी कार्रवाई जो है वो अपनी करेंगे सरकार। क्या लग रहा है आपको, क्या एलविश यादव को इसमें पूरे में फंसाया जा रहा है? देखो मुझे जो लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय दे सकता हूँ कि गरीब घर का बच्चा आज कामयाब हुआ है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कम उम्र में, तो इसको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है, दबाव बनाया जा रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत मोटा पैसा खिला के इसके लिए गवाह एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं। आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने रेप पार्टी में सांप के जहर का मतलब कई संबंधित होने का भी उसने बोला है कि हाँ मैं मंगाता था, तो उसमें कैसा देखते हैं? देखो अब मैंने आपको बता दिया कि ये तो जांच का विषय है, जो जो चीज़ें होगी आगे खुलती जाएगी। हमें, मैं अपनी नहीं, मैं अपने पूरे गांव की कहता हूँ कि हमें नहीं लगता कि वो इसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल है। ताऊ एलविश यादव को जानते हो? खूब जाने। तो कैसे लग रहा है ताऊ उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? बेकार वाहियात कर रही है। हैं? वाहियात कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी चीज की भी। लड़का अच्छा है? लड़का अच्छा है। कह रहे कि लड़के को फंसाया जा रहा है आपके गांव के कुछ लोग कह रहे हैं? ना कोई मतलब ना है। हैं? कोई मतलब ना फंसाने का।
गांव का कोई नहीं कहेगा। कल अच्छा। एल्विस को आपके गांव का जो लड़का है, उनार लड़का है, जिसने आपके गांव का जिले का नाम रोशन किया, उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। कैसा देखते हैं? गलत कर रहा है। हाँ जी, उसने एक्सेप्ट करा था वो। हाँ जी, उसने अपने आप को बोला है कि हाँ मैं करता था पार्टी, उसमें सांप का जहर सप्लाई करता था। ना कोई सांप का जहर, ना क्या ही चीज का बिना झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। झूठा इल्जाम लगा रहे सब। एक अच्छा लड़का है और कोई चाहे की कमी नहीं है, और गरीब है वैसे नहीं है, और फिर कोई इस चीज़ में खराब करने वाली बात है ये।